अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आप लोगों का एक नए व्लॉग में। आज मैं जाने लगा हूँ जी चाचना शरीफ की तरफ, रीना खान से तकरीबन ये कितने किलोमीटर है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। खैर हम निकल पड़े मुँह उठा के, मेरा कोई टाइम नहीं था। मेरे दोस्त को कॉल की, मैंने कहा भाई तैयार हो जा, अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो आ जा, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। इकबालाबाद से मैं होते हुए गया इधर जो सी बैक रोड है वहाँ, इस तरफ से ये रोड काफ़ी बेहतर है जाने के लिए। भाई रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बड़ा खुला खुला रोड है। यहाँ से मैं मंचन बंद की तरफ, मेरे ख्याल से ये जाता है, खैर मैं उधर नहीं गया था, मैं गया था राजनपुर कला, मैंने दोस्त को वहाँ से उठाया, उधर से फिर हम निकले थे आगे। ये रोड बड़ा ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा रोड है, जैसे भी बंदा जाए सुकून से स्पीड से इजी है। ये अभी हम फिर रहे हैं इकबालाबाद के पास, आसपास ही हो रहे हैं। ये इसी रोड से एक रोड निकलता है जो कि सी टैक की तरफ जाता है, ये टर्न हो रहा है उधर लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे टर्न हो रही है और ये जाता है सी टैक वगैरह से होते हुए बुनियादी कहाँ जाता है। बड़ा प्यारा रोड है, साफ़ सुथरा, आसपास हरियाली, कोई गंदा खराबा नहीं है। मैंने भाई फ्यूल डलवाया ही नहीं था, मुझे ये टेंशन थी कि फ्यूल ना ख़त्म हो जाए और रास्ते में मुझे चलना भी ना पड़ जाए। खैर ये सी पैक के पास हम फिर रहे हैं, ये अच्छा पे सॉरी लेफ्ट साइड पे एक रोड जा रही है, वो फिर मुल्तान वगैरह ये की तरफ जाती है। यहाँ पर काफ़ी सारे एड्रेस वगैरह भी हैं, डबो वगैरह और दूसरा क्या कहते हैं कैसे मूवीज वगैरह के लिए अड्डे इधर हैं काफ़ी सारे, और लोकल बसेस के अड्डे भी इधर हैं। ये जैसे हम पुल क्रॉस करेंगे फिर हमने मुड़ना है राइट साइड पे, सॉरी यार लेफ्ट साइड पे मुड़ना है हम लोगों ने। ये सी पैक का ऊपर सी पैक जा रही है, नीचे से हम जा रहे हैं। ये आगे काफ़ी सारे टॉप शॉप्स वगैरह, अड्डे वगैरह और कुछ छोटे मोटे होटल्स भी यहाँ पे हैं। बाइक का सफ़र ठीक ठाक थका देने वाला होता है भाई, क्योंकि हम ज़्यादा सफ़र करते नहीं हैं बाइक पे, लंबा सफ़र ज़्यादा होता नहीं हमसे। हम कभी कभार बाहर निकलते हैं तो फिर मती बच जाती है हमारी। अगले चार दिन दो चार दिन तो मेरे सर में दर्द रहने वाला है, इतना मुझे मालूम था। खैर जब अब हम निकल आए हैं तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, खैर चलते हैं। बैग बैग तो मैंने काफ़ी थक गया था, क्योंकि मेरा सफ़र रहीना खान से राजनपुर, राजनपुर की तरफ से फिर होते हुए हमने जाना था चाचना शरीफ, और बीच में से छोटे छोटे इलाके जो हैं वो वहाँ से गुजर के हमने जाना था। और सड़क आगे चल के आपको दिखाता हूँ, आगे ये वाली सड़क तो वहाँ सड़क बेहतरीन है, नज़र चेक कीजिए आसपास। ये भी पहले ठीक नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह भला करे इन इलाकों वालों का जिसने भी ये बनाई है, खैर बेहतरीन रोड बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ वाली जो रोड थी ना, वो तो मैं कहता हूँ पीछे मती, वहाँ पे ठीक ठाक सर दर्द शुरू हो गया था मेरा। जगह चेक करें आप आसपास, साफ़ सुथरी रोड और सब्जा ही सब्जा आस पास है, तरफ की तरफ। एक टेंशन तो मुझे बार बार हो रही थी रास्ते में, जब पेट्रोल पम्प थे तब मुझे याद नहीं रहा फ्यूल का, लेकिन फ्यूल था तो सही, लेकिन मुझे टेंशन भी थी कि रास्ते में ख़त्म हो गया तो मेरा क्या बनेगा। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मुझे पंप एक नज़र आया, वहाँ से मैंने फ्यूल डलवाया तो कुछ तसल्ली हुई कि भाई अब टेंशन नहीं है फ्यूल की। तो ये रोड चेक करें सर, ये मेरे ख्याल से अबादपुर था या एहसानपुर था, तोबा मट्टी मट्टी और टूटी फूटी रोड के पीछे, तो ये उससे आगे हम निकल आए थे। लेकिन यहाँ ये रोड का कुछ बेहतर थी पीछे से, पीछे तो मैं वो फिल्मिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो रोड ऐसी थी कि बंदा या तो बाइक चला ले या फिल्मिंग कर ले, वो वहाँ पे वीडियो। अल्लाह के करम से जी ये हम आ गए हैं पुल के ऊपर, चाचा शरीफ के पुल के ऊपर, बस पहुँचने ही लगे हैं। तो यहाँ पे वो सारी थकन दूर हो जाती है यहाँ का नज़ारा देख के, माशाल्लाह से यकीन करें
मुझे नहीं लगता कि कैमरे में वो चीज़ आई है जो मैंने हकीकत में देखी थी। ये तकरीबन शाम होने लगी थी, तकरीबन सूर्य ग्रुप होने ही लगा था। यहाँ पे आप आके हम मैंने भाई ब्रेक ही लगा ली, अभी कुछ देर यहाँ पे रुक जाते हैं, इसको सुकून से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बड़ा ही प्यारा नज़ारा था। सिंध के पास जो कि तकरीबन देमिया खान से चंद किलोमीटर के फासले पे है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं तकरीबन और हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है। आगे भी आपको चल के दिखाते हैं। और मौसम भी यहाँ पे शाम को काफ़ी ठंडा हो गया है, काफ़ी ठंड फील हो रही है। और मेरे साथ एज़ यूजुअल रब नवाज साहब हैं जो कि हमेशा की तरह मोबाइल में लगे हुए हैं ना। वैसे दिल तो करता है कि बंदा रात ही देर ही रह जाए ना, लेकिन यहाँ पे काश कोई इस तरह का ना कोई स्पॉट होता या कोई होटल होता तो बंदा यहाँ पे ना रात तो रात का नज़ारा ही कुछ अलग है। यहाँ पे मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, ये सिर्फ मैं पुल के ऊपर खड़ा हूँ। एक्चुअल जो नज़ारा है ना, यकीन करे कैमरे में उसका 50% भी नहीं आ रहा, 50% भी नहीं आ रहा। यकीन करें नज़ारा बहुत ही आला है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी चलते हैं अब, भाई साहब कह रहे हैं कि भाई चलना चाहिए।